हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर फोर ओके विच इज़ फॉर बीकॉम सेकंड सेकेंड ईयर सो आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स ठीक है जिसके अंदर क्या पढ़ना है आपको ईशू से रिलेटेड एंट्री फो फीचर और री इशू ओके या फिर बोनस शेयर ये सब आपको पढ़ना है इस चैप्टर में एंड मैक्सिमम ये जो आपने ट्वेल्थ क्लास में कंपनी में पढ़ा था उससे रिलेटेड है ओके okay? सो so, आपकी ये फर्स्ट यूनिट है ओके okay? फिर आपका सेकंड यूनिट क्या है फाइनल अकाउंट्स फाइनल अकाउंट में क्या है प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ओके okay? ये आपकी यूनिट टू है फिर आता है आपका यूनिट नंबर थर्ड उसमें क्या है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ओके गुडविल कितने टाइप्स की होती है ये सब आपके यूनिट नंबर थर्ड में है फिर है एमेलगेमेशन ऑफ कंपनीज एमिल गमीशन मीन्स क्या होता है जब दो कंपनी कंबाइन होती है ठीक है तो उस टाइम क्या क्या एंट्रीज होती है कौन कौन से अकाउंट क्रिएट करने होते हैं प्लस इसमें आपका रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में भी है ओके रिकन्स्ट्रक्शन ये आपकी यूनिट फोर्थ हो गई फिर आपकी यूनिट फिफ्थ आ जाती है ओके न आपकी फिफ्थ यूनिट क्या है अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज और पेन्ट कंपनीज ठीक है इसमें आप सब्सिडरीज कंपनी वगैरह इन सब का सीखोगे नाउ आपका सिक्स यूनिट आ जाती है बैंकिंग कंपनीज ठीक है इसमें भी नॉर्मली आपकी बैलेंस शीट ही आती है फिर आपका सेवेंथ चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपने पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्वेल्थ क्लास में वैसा ही है बस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है वरना बाकी सब सेम ही है ठीक है सो ये आपका ओवरऑल सिलेबस था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ओके आई होप यू लाइक इट सो थैंक यू सो मच